ऋतिक ने लिखा, ताकत तब अधिक प्रतिष्ठित होती है जब बाहर से लड़ने वाला कोई न हो। ऋतिक रोशन, जिनकी नई फिल्म फाइटर सिनेमाघरों में चल रही है, को हाल ही में मांसपेशियों में चोट लग गई। अभिनेता ने अपनी एक तस्वीर साझा की जिसमें वह बैसाखी के सहारे खड़े होकर मिरर सेल्फी लेते हुए देखे जा सकते हैं। चोट लगने के बाद ऋतिक रोशन ने ताकत की अवधारणा पर एक चिंतनशील लेख लिखा। उन्होंने अपने नोट में लोकप्रिय धारणा पुरुष मजबूत है को भी संबोधित किया। ऋतिक ने अपने नोट की शुरुआत अपने दादाजी के बारे में एक किस्से से की, जिन्होंने हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था क्योंकि इससे उनकी मजबूत होने की मानसिक छवि खराब हो सकती थी। ऋतिक ने लिखा, शुभ दोपहर। आप में से कितने लोगों को कभी बैसाखी या व्हीलचेयर पर रहने की जरूरत पड़ी और इससे आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनकी खुद की मजबूत की मानसिक छवि के साथ मेल नहीं खाता था। मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन डेडा, यह सिर्फ एक चोट है और इसका आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह चोट को ठीक करने में मदद करेगा और इसे और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अंदर के डर और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसे कितना मजबूत होने की जरूरत थी। मैं इसका कोई मतलब नहीं समझ सका। मुझे असहाय महसूस कराया। मैंने तर्क दिया कि आयु कारक लागू नहीं है क्योंकि उसे चोट के लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता है, न कि बुढ़ापे की। उन्होंने इनकार कर दिया और अजनबियों, जिन्हें वास्तव में परवाह नहीं थी, के लिए प्रदर्शन पर मजबूत छवि रखी। इससे उनका दर्द बढ़ गया और उपचार में देरी हुई, उन्होंने आगे कहा। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।